दुनिया इसके बारे में चिंतित है। मैं सोचता हूँ ये समय कमियाँ खामियाँ निकालने की नहीं। मेरे हिसाब से जो जो और प्रिकॉशन लेने चाहिए वो ले। जहाँ जहाँ भी ये घूमे हैं, जहाँ जहाँ भी रहे हैं, उन सब स्थानों को भी चिन्हित करके निश्चित रूप से उसके भी बारे में अपने को रिपोर्ट ले लेनी चाहिए, मैं सोचता हूँ। और इसके भविष्य के लिए हमको जो जो साधन चाहिए, जिस जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, अगर आइसोलेशन किसी बाहर के एरिया में भी करना है तो स्थान चिन्हित करके रखो जो कहीं एकांत में हो, जिसके कारण से बाकी कहीं आसपास में इसका असर न हो। मैं सोचता हूँ केवल हम नहीं, दुनिया ही चिंतित है। और जब दिल्ली से भी बार बार इसके बारे में मंत्री जी के रोज स्टेटमेंट और वो टीवी पर हैं, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में आपके साथ हम खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। और राजस्थान की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि ये संकट गलतियाँ निकालने का नहीं है, इसका हल निकाल करके मानव को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी करें कि ताकि हम इससे बच सके और हमारी जनता इससे बच सके। कमियां खामियां निकालने का समय जब कभी और मौका होगा और बाद में जब ये कंट्रोल में आने के बाद इसकी कमियां खामियां गिननी होगी तो बाद में गिन लेंगे। अभी समस्या है वो हम सब मिलजुल करके और जनता को भी जहाँ सहयोग लेना हो, जिस प्रकार से भी जिस सहयोग चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी अगर कहीं कमजोरी लगती है तो ऐसे भामाशाहों को भी उपयोग करते हुए हम इसे अच्छे से अच्छे ढंग से इसका कैसे हल निकाल करके अपनी जनता को सुरक्षित, और एक जो भय क्रिएट हो रहा है चारों तरफ से, उस भय को मिटाने के लिए भी बार बार आप जिस माध्यम से भी जा सकें जनता को भी आश्वस्त करें। नहीं तो एक ऐसा पैनिक फैल रहा है, इस पैनिक को रोकने के लिए भी हमको निरंतर दिन में 3-4 बार भी अगर अपने को जनता के बीच में किसी भी तरीके से जाना हो तो वस्तु स्थिति रखते हुए उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं मैं इस समय कोई चर्चा नहीं चाहता, मैं मेरा दल और राजस्थान की जनता आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार से हर तरीके से इसको कंट्रोल करने के लिए जो जो आवश्यकता आपने महसूस होती है वो आवश्यकता करिए। पूरा सदन काफी गंभीरता से इस बात पर चिंतित है और एहतियातन तौर पे जो भी कदम उठाए जाने चाहिए माननीय मंत्री वो उठाने चाहिए। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, अपने विधानसभा के जो होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है, मैं भी 3-4 दिन पहले वहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे मैं मिला था और उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की और उन्होंने मुझे एक प्रिवेंटिव कोरोना की मेडिसिन उन्होंने मुझे दी। एक दवा, 1 cc की दवा जो है वो 10 पेशेंट के लिए काफ़ी होती है और प्रिवेंटिव है वो। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पिछली बार जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी पूरे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, ज्ञान सब जगह है। आप चेयर पर बैठे हो, इस तरह की भाषा आप भी इस्तेमाल मत करो। मैं तो अज्ञानी हो सकता हूं, सुनिए मेरी बात, मैं साइंस की बात, भारत सरकार की गाइडलाइन और WHO की गाइडलाइन पे चलेंगे हम। बिराज जी, मैं ये मौका नहीं, किसी की हम हाथ जोड़ के आपको एक बात बताओ, ये मौका नहीं, सभापति से बात कर रहा हूँ, बात नहीं, सारी चीज गंभीरता, राजस्थान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है, होम्योपैथी में कोई मेडिसिन, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हम इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और जो WHO की गाइडलाइन है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही हम अपना कोर्स एक्शन तय करेंगे। इसमें आजकल ये आप बताइए, ज्ञानी तो बहुत है दुनिया में, पर आप हर किसी के ज्ञान को लेकर, मैं जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ी बात है। यदि डॉक्टर साहिबान ने कोई कोरोना वायरस की प्रिवेंटिव मेडिसिन यदि बताई है तो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो मेडिसिन आप बात करें, उनको बुला करके सारी पूछें उनको, वो मेडिसिन पॉइजन नहीं है। यदि 4 गोलियां आप निगल लेंगे तो आपको कोई जो है वो साइड इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप बुला करके उनसे संबंध में चर्चा करें, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पिछली बार जब स्वाइन फ्लू फैला था तब भी असेंबली के पूरे स्टाफ को उन्होंने ये दवा दी थी। तो मैं आपसे ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आप जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनको बुला करके इस मामले में आप जानकारी लें। विधा जो है वो होम्योपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है और एलोपैथी में भी है, विधा किसी की बपोती नहीं है, यूनानी में भी है, जहाँ से भी हमको इसको सहयोग मिले हमको करना चाहिए। चर्चा समाप्त।